हाय, दिस इज सृजिता डे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला। वैसे प्लानिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, प्लानिंग सिर्फ कपड़ों की ही चल रही है कि क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। बाकी आई एम अ वेरी ऑन द स्पॉट पर्सन, इम्प्रॉम्प्टू पर्सन, और मुझे गो विद द फ्लो ज़्यादा पसंद है, तो बाकी कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं है क्योंकि ये बिग बॉस 16 है और मेरा बर्थडे 16 जुलाई को आता है। एक्चुअली नो, मैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सहमी हुई भी थी, और जैसे लोग बोलते हैं बिग बॉस के बारे में तो मैं काइंड ऑफ डरी हुई भी थी बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट। पर ऑनेस्टली मेरे फियांसे ने, माइकल ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जा सकती हूँ और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो दैट्स व्हाई बिग बॉस 16 इज द वन। खुशी तो बहुत हुई, एक्साइटमेंट भी बहुत हुई, पर साथ ही साथ जब एकदम आप जब तक मीटिंग्स कर रहे हो, मिल रहे हो, तब तक आपको लग रहा है ठीक है, हाँ, ठीक है, पर जब एकदम कन्फर्मेशन कॉल आता है और आपको लगता है ओके यू आर फाइनली गोइंग, तो एक्साइटमेंट के साथ साथ ना एक नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं से अंदर से क्रिप इन कर लेता है। और जितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नो, आई वुड नॉट फील नर्वस, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं, पर कहीं ना कहीं जितना मैं सोच रही हूँ उतना ही कहीं ना कहीं से वो अंदर से ना वो आता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि यू आर नॉट वीक, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और तुमने अभी तक कोई रियलिटी शोज़ किए नहीं हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ बिग शो, दो ही डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज मच, पर फिर भी कुछ कुछ लाइक सीज़न 15 मेरे साथ थोड़ा बहुत उन्होंने देखा, सीज़न 14 मेरे साथ थोड़ा बहुत देखा, तो वो यही कह उन्होंने यही कहा कि ये चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि चैलेंजेस से कभी भागना नहीं चाहिए। और मुझे तभी लगा कि हाँ, लाइक ही इज़ लाइक टू द पॉइंट, तो कह मतलब उन्होंने भी मुझे एक चैलेंज दे दिया कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज नाउ, क्योंकि प्रोमो देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो एक्वा थीम है, इनफैक्ट थोड़ा डरावना सा प्रोमो है कि ग्रेविटी उल्टा चलेगा, चांद दिखता रहेगा 2400 घंटा, कोई सूरज नहीं दिखेगा, तो ऑलरेडी आई स्टार्टेड थिंकिंग कि शायद कोई एक्सटीरियर एरिया भी नहीं होगा, सब कुछ एक घर के अंदर बंद होगा, वे वी कांट इवन सी द सन। बट अगर एक्वा थीम है, आई लव द कलर ब्लू एंड आई लव सी एंड ओशन, तो आई थिंक इट वुड लुक वेरी एक्साइटिंग। कहीं पे कुछ क्रैब बने हुए होंगे शायद, फिर कहीं पे कुछ सी हॉर्स बने हुए होंगे, कहीं पे कुछ व्हेल्स बने हुए होंगे, शायद बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल होगा, वो तो आई थिंक बिग बॉस खिलवाते हैं कंटेस्टेंट्स को टास्क के दौरान, नॉमिनेशन जब आपको नॉमिनेट करना होता है किसी को, तो बिग बॉस कहीं ना कहीं तो उनका बहुत बड़ा पार्ट होता ही है हर सीज़न। आई थिंक इस बार और ज़्यादा वो कंट्रोल करेंगे कंटेस्टेंट्स को। ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं किसी की तरह खेलूंगी, क्योंकि ऑडियंस इतने स्मार्ट है कि आप अगर किसी की तरह खेलेंगे तो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा, और बिग बॉस ऐसा गेम है जहां पे लोग आपके खुद के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, व्हाट आर यू एज सृजिता दे, वो लोग ये नहीं देखना चाहते कि मैं अगर किसी की तरह खेलूँ तो। बट ऑब्वियसली एक आइडियल पाने के लिए कि क्या होता है गेम के अंदर, कैसे कैसे टास्क मिलते हैं, कैसे कैसे चलता है, क्या क्या पॉलिटिक्स होता है, वो समझने के लिए देखना ज़रूरी है। बट मैंने ऐसे कुछ स्ट्रेटजाइज नहीं किया कि मैं किसी की तरह खेलूंगी, क्योंकि एज आई सेड ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट, और फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, अरे ये तो उसको कॉपी कर रही है। आई शुड शो माई कैरेक्टर माई सेल्फ। मुझे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर वाइज अच्छा लगा है सिद्धार्थ शुक्ला, फिर अगर मैं बोलूँ तेजस्वी करण, बिकॉज दे वर वेरी लॉजिकल पीपल, इलॉजिकली ऐसे चिल्लाने चीखने नहीं लग जाते थे, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग बहुत इलॉजिकली चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वी नीड टू बी सीन, फुटेज चाहिए, हमें फुटेज चाहिए। तो बाकी मैंने बहुत सारे सीजन्स देखे नहीं है। हीना खान ऑल्सो प्लेड वेरी वेल,
शहनाज प्लेड वेल या सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मैं मिस करूँगी माइकल को. ये इंटरव्यू आप प्लीज़ दिखाना. बेबी आई मिस यू सो मच. ऑल्सो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं डॉगोस, उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी. मैं अपना बाथरूम मिस करूँगी, अपना बेड मिस करूँगी, फ़ोन को मिस करूँगी, सब कुछ मिस करूँगी, बहुत कुछ. मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बहुत ज़्यादा पागलपन वाला गुस्सा बाहर आए, पर ऐसा हो नहीं सकता. कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में तो वो ट्रिगर होके बाहर आ ही जाएगा. कुकिंग, कुकिंग, नो, नॉट क्लीनिंग, कुकिंग. डिफरेंट तरीके की कुकिंग, जो मुझे मोस्टली बंगाली फूड आता है या नॉर्थ इंडियन फूड बनाना आता है, तो बाकी चीज़ें भी मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ मम्मी से, जैसे कि इडली बनाना या रोटी बनाना. रोटी बनानी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ें मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे कुकिंग का जिम्मेदारी या टास्क मिले तो हाउ वुड आई परफॉर्म. मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों वुड बी माइकल एंड मिसिंग हिम, आई थिंक सो. सो मिसिंग हिम वुड बी माई वीकनेस, और स्ट्रेंथ जैसे कि उन्होंने मुझे कन्विंस किया घर में जाने के लिए. तो जब भी मुझे ये पॉइंट आएगा मेरी लाइफ में कि घर के अंदर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी अंदर से बहुत ज़्यादा सिंक इन हो रही हूँ, और आई एम जस्ट सिंकिंग इन एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड, सो आई वुड जस्ट प्रेफर टू सिट समवेयर और गो इनसाइड द बाथरूम एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट, मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स, कीप माई काम, तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ. मैं यही कहूँगी कि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि कौन कौन जा रहे हैं, एंड आई एक्चुअली डोंट नो. और मैं जानना भी इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द गेम, कि आपको पता चल जाए, आप जानने लग जाओ, तो आप ऑलरेडी सोचने लग जाओगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. बट द ब्यूटी ऑफ दिस गेम इज़ अननोन. ट्राई टू नॉट नो एनीथिंग. और दूसरी बात, या वो भी जैसे बाकी 12 या 13 कंटेस्टेंट होंगे, वो भी उनमें से एक होंगी. जो लोग सच्चे हैं, जो लोग लॉजिकल है, जो लोग सामने और पीछे अलग अलग बातें नहीं करते हैं, और जो लोग ट्रांसपेरेंट है. मुश्किल है ऐसे लोग मिलना, पर हाँ नहीं, मुझे वैसे भी ट्रस्ट इश्यूज है, तो मुझे भरोसा किसी पे करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं सब आप जीतने गए हैं वहाँ. एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बताया अब तक, एक्सेप्ट माय मम, डैड और माइकल. ये तीन लोग छोड़ के कोई अब तक नहीं जानते हैं कि मैं जा रही हूँ. सब ने मुझे, मतलब फैमिली कम्स फर्स्ट, राइट? तो फैमिली का जो सजेशन होगा या जो एडवाइस होगा वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. और मम्मी ने, माइकल ने, पापा ने, सब ने यही बोला कि कीप योर काम, कीप योर कूल, यू कैन गो फार. हाँ, कि कीप योर काम, कीप योर कूल, और फिर धीरे धीरे तू आगे तक जा सकती है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव थ्रू ऑल दीज ईयर्स. मैं चाहती हूँ अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की सख्त ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, दिल खोल के मुझे प्यार भेजिए अपने वोट्स के दौरान, और मुझे जीतने में मदद कीजिए.